गाइस मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। का वेट कर रहे हैं, हमें जाना है न्यू दिल्ली और यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ी हूँ वहाँ पे है अक्षरधाम। मैं आपको दिखा देती हूँ कि अक्षरधाम कितना ब्यूटीफुल लग रहा है नाइट में। आओ दीदी मैं आपको भी दिखाती हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं गाइस, वाओ अक्षरधाम कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, देख सकते हो। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है अक्षरधाम, ब्यूटीफुल। गाइस वेटिंग में है मैडम जी और यहाँ से हम देख सकते हैं तो अक्षरधाम का पूरा एंजॉय ले रही हैं। कैसा लग रहा है, कितना ब्यूटीफुल है ना अक्षरधाम। पहले मॉर्निंग में आए थे ना, अच्छा लग रहा है। नाइट में ब्यूटीफुल लग रहा है ना दीदी, सही बोल रहे हो आप। हम ट्रेन में बैठ चुके हैं नई दिल्ली से, आप देख सकते हो। और अभी हम क्या कर रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। अभी गोलू और हम प्लेट लेके बैठे हैं कि अभी हम खाएंगे खाना, क्योंकि हमने ये था कि हम स्टेशन पे नहीं खाएंगे। हम जब ट्रेन में फाइनली हम बैठ जाएंगे तो हम खाना अपना कंप्लीट करेंगे, मीन्स डिनर, और उसके बाद में डिनर के बाद हमारी ट्रेन जो है वो चल देगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है, मतलब 20 मिनट्स हैं जब तक हम अपना डिनर फिनिश करेंगे हमारी ट्रेन चल देगी। और नेक्स्ट मॉर्निंग हम पहुँच जाएँगे कहाँ, वो एक सीक्रेट है। तो आप बने रहिए कशिश चावला के साथ। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम लोग क्या बना के लाए थे। ये देखिए हम क्या बना के लाए हैं, हम लाए हैं आलू की सब्जी। ये देखिए गाइस आलू की सब्जी इतनी अच्छी बनाई थी पानी वाला, और ये हो गई गर्मा गर्म जीरे वाली अजवाइन वाली पूड़ियाँ। वाह मेरे मुँह में तो बहुत पानी आ रहा है, तो गाइस मैं तो खा लेती हूँ, खाना खा लेते हैं उसके बाद मिलते हैं आपको। मॉर्निंग में मिलती हूँ मैं आपको। मैं गाइज मैं पहुंच चुकी हूं हिमाचल मैकलॉडगंज। जी हाँ मैंने अपना होटल भी ले लिया है और मैं आ गई हूं यहां पे, और यहां की वादियां देख सकते हैं माय गॉड। और मैं यहां पे टेरेस पे खड़ी हूं, आप देख सकते हो दिस इज माय होटल। हम रेडी होंगे आफ्टर शावर, मैं मिलती हूँ आपको, बिकॉज बहुत टायर्ड हैं, बहुत थके हुए हैं। आफ्टर रेडी मैं मिलती हूँ आपको, आप रहिए कशी चावला के साथ।